ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। कभी कभी पेरेंट्स का ये बहुत मेजर प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चों की ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब हैं। हम बच्चों को इतना समझाते हैं, फिर भी वो वही खाते हैं जो उनका मन है। वो अच्छा भोजन नहीं खाते, वो गरिष्ठ भोजन खाते हैं, वो फास्ट फूड भोजन खाते हैं, रोज इस प्रकार की चेन से मंगवा कर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। दोस्तों, हमारे बच्चों के अंदर ये जो आदतें आ जाती हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल केवल हमारे बच्चे ही नहीं, लेकिन हमारे अपने घर का एनवायरमेंट और हम स्वयं हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल बातें बताऊंगा जिनको अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारी फूड हैबिट्स भी चेंज होंगी, हमारी हेल्थ भी बेटर होगी और बच्चों की हेल्थ भी बेटर होगी। ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल्स केवल बच्चों के लिए नहीं है, इन बातों को हमें भी यूज करना पड़ेगा ताकि हम सब एज अ परिवार, एज अ यूनिट जो है, अपनी हेल्थ को बेटर दोस्तों बना पाए। सबसे पहले आप देखिए, भोजन जो है हमारा एक पिरामिड की तरह होना चाहिए। परिवार का जो भोजन है वो मॉर्निंग के अंदर एक हेल्दी और पावरफुल ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आफ्टरनून की मील भी पावरफुल और अच्छी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए और रात का भोजन दोस्तों हमेशा हल्का होना चाहिए। फूड के जो ईटिंग पैटर्न्स हैं, कभी कभी अपने ड्राइंग रूम में बैठकर भोजन खा लेना, कभी कभी अपने बिस्तर पर लेटकर भोजन खा लेना, टेलीविजन चल रहा है उसके तहत खाना खाना, मोबाइल ऑन है मोबाइल देखते हुए खाने को दोस्तों खाना, और परिवार से अलग रहकर भोजन खाना, ये जैसे आज हमारी आदत बन गई है। लेट नाइट ईटिंग, 10 बजे 11 बजे 12 बजे कई बच्चे जो हैं वो अपने खाने को खाते हैं। दोस्तों, ये सारी हैबिट्स ना केवल बच्चों बल्कि मैं तो कहूंगा पेरेंट्स के अंदर भी मैंने देखा है कई बार ये हैबिट्स होती हैं, और ये सारी अनहेल्दी हैबिट्स जो हैं हमारे शरीर पर बहुत नुकसान करती हैं। कभी भोजन को हम लोग लेंगे, खाने को लेंगे, स्नैक्स को लेंगे तो उसको पैकेट में डायरेक्ट डालकर हाथ तो हम खा लेते हैं। साइंटिफिक स्टडीज दिखाती हैं ये जो बातें मैंने आपको बताई ये हमारे हेल्थ सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती हैं। इसलिए एक परिवार में सबसे पहला टिप जो है कि एक मील परिवार में सबको साथ बैठकर जरूर खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, रात का, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, जो भी आप डिसाइड करें, उसमें किसी को ये प्रिविलेज नहीं है कि वो अपने रूम में खाए अनटिल अनलेस कोई स्पेशल कंडीशन है। क्योंकि जब हम साथ बैठते हैं, उस ई फ्री भोजन को खाते हैं, अर्थात टेलीविजन नहीं है, मोबाइल नहीं है उस टाइम पर, हमारे आपस में वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती हैं और वो फूड हमारे ऊपर पावरफुल असर करता है। तो दोस्तों, बच्चों को भी और आपको भी साथ बैठकर एक मील जरूर खानी है। खाने को, डिनर को कम से कम 9 बजे से पहले जरूर फिनिश कर देना है। लेट नाइट भोजन हमारे शरीर के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए इसको बिल्कुल अवॉइड करा जाए। पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, उनको समझाइए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर ये कितना एडवर्स इफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चों का और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रात को स्लो कार्य करता है। इसलिए जो भोजन हम खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है और उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो हमको मिल नहीं पाती है। साथ में जब भी हम खाना खाएं उसको हम सीधे बैठ कर खाएं, लेट कर खाना, सामने टेलीविजन ऑन करके खाना, मोबाइल देखते हुए खाना, दोस्तों ये ई भोजन जब हम खाते हैं ये हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स को आप जरूर ध्यान रखें। हमें भोजन खाना क्या है दोस्तों, अगर पिज्जा बर्गर कोई फास्ट फूड हमको लेना है तो इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। कभी कभी आपको भी, बच्चों को भी, सबको पसंद आता है, लेकिन इसके लिए एक हमें रूटीन सेट करना पड़ेगा। अगर रोज हम फास्ट फूड खाएं, रोज हम इस प्रकार की डाइट को खाएं, तो शुरू में तो हम एंजॉय करेंगे, लेकिन सूनर और लेटर ये हमारे बॉडी के सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है, हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी क्रिएट करता है, बोन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में भी एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये सारी बातें बच्चों को इस प्रकार से समझाना ये आवश्यक है। हमारे बच्चे कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने जाते हैं, आप उनको अलाउ करें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। अगर ये बात एक हैबिट की तरह डेवलप हो जाएगी तो ये प्रोग्रामिंग जो है उनके शरीर पर एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगी। इसलिए बच्चों को नियंत्रित करना, उनको सही ज्ञान देना, ये मदर और फादर का भी दोस्तों कर्तव्य है, उनका भी ड्यूटी है। पहले समय पर भोजन घर में ही बनता था, रेस्टोरेंट्स में जाना या बाहर खाना ये एक ओकेजनल इंसिडेंट होता था। आजकल तो जैसे आदत ही बन गई है और घर पे भोजन बनना बहुत कम हो गया है। नहीं,
घर पे न्यूट्रिशियस भोजन खाना, जिसमें बच्चों को, पेरेंट्स को नट्स का उपयोग करना, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, लिमिटेड क्वांटिटीज में ऐसी चीजों को रोज ग्रहण करना उनके स्वास्थ्य के लिए यूजफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। मॉर्निंग में फ्रूट्स को लेना, सीजनल फ्रूट्स को लेना, सैलड्स को लेना, सैलड ड्रेसिंग के साथ अलग अलग प्रकार की वेराइटी सैलड्स को घर में बनाना, फ्रेश जूसेस को घर में बनाना, उसको अगर हम ले लें ये बच्चों के हेल्थ के लिए यूजफुल होता है। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का बैलेंस रखना। आप उनको बताइए कि घर में जब भोजन बन रहा है, खाना बन रहा है, तो एक ही खाना सबके लिए बनेगा अंटिल अनलेस कोई स्पेशल कंडीशंस हैं। वही खाना, चाहे दालें हैं, चाहे पनीर है, चाहे लेग्यूम्स हैं, चाहे हरी सब्जियां हैं, उन सबको परिवार में इकट्ठे बैठकर खाना चाहिए। अगर हम ये रोज लिबर्टी देते जाएंगे कि आपको जो खाना है उनके लिए एक अलग खाना बन रहा है, पेरेंट्स के लिए अलग खाना बन रहा है, हस्बैंड वाइफ के लिए अलग, दोस्तों ये ठीक नहीं है। एक भोजन जब हम साथ बैठकर सब खाते हैं, उसकी वाइब्रेशंस पावरफुल होती हैं, बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है और वो हमारे डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती है। इसलिए मदर और फादर का भी ये कर्तव्य है कि बच्चों को बुलाकर वही भोजन खिलाना जो वो भी खा रहे हैं, उनको न्यूट्रिशियस भोजन की नॉलेज देना, उनके अंदर उनको मोटिवेट करना, ये बहुत जरूरी होता है। मैं एक और टिप आपको बताता हूं कि जब आप घर में भोजन बना रहे हो तो जरूर जाएं, बच्चों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करें, उनके अंदर भी हैबिट्स इनकल्केट होंगी। अक्सर कहते हैं हमारे बच्चे तो आते ही नहीं किचन में। नहीं, किचन एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलीजियस प्लेस की तरह है। वो भोजन जो है वो हमारे शरीर का एक अंग बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है। इसलिए जब भी भोजन खाएं तो वहां पर वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होनी चाहिए। जिस एरिया में भोजन बने वहां की भी वाइब्रेशंस बहुत प्योर और पावरफुल होनी चाहिए, ताकि वो भोजन हमारे शरीर और मन उसको प्रॉपरली हील करे। तो दोस्तों, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, बच्चों को बार बार पॉइंट करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आवश्यक है छोटे छोटे चेंजेस को घर में लाना, क्वालिटी फूड रोज बनाना। दोस्तों, एंजॉय जरूर करें, वैरायटी फूड खाएं, लेकिन संयम और बैलेंस जो है वो की है। उनको ये चीज बताएं कि इस चीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ये किस तरीके से उनके डेवलपमेंट में उनको हेल्प करेगी, और कभी कभी उनको लिबर्टी भी दें। जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग को कभी कभी टाइट रखते हैं और कभी कभी उसको ढील दे देते हैं ताकि वो ऊंचाइयों की तरफ जाए। दोस्तों, भोजन भी हमारा इसी प्रकार के साथ है, और साथ में पानी का कंजम्पशन भोजन के साथ जरूर होना चाहिए। दोस्तों, कम से कम 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पानी बच्चों को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके बोन डेवलपमेंट में, उनके हार्ट डेवलपमेंट में, उनके मसल्स को, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने में, और साथ में उनकी स्लीप और मेमोरी पावर को बढ़ाने में भी बहुत यूजफुल होता है। तो इन टिप्स को यदि पेरेंट्स और बच्चे दोनों रखेंगे साथ में, तो हमारी लाइफ हेल्दी बनती चली जाएगी, हमारे बच्चे जो हैं वो स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। इसके कुछ और भी टिप्स मैं आपके साथ कुछ आगे वाले एपिसोड में लेकर फिर आऊंगा, लेकिन तब तक इन छोटी छोटी टिप्स को आप जरूर अपने जीवन में स्वीकार करें, इनको धारण जरूर करें। ओम शांति।